अथिया सांप छाड़ ले सावरे अथिया कर ले लाल वजन कर गोपाल को झक मारे गोपाल रवाने हम बहुत काम की थे हमारे यहाँ हमें सरकारी गोदामों से मिलती है और रजिस्टर्ड चीज है कोई ऐसा है नहीं दो नंबर का काम नहीं है ठीक है बहुत ही ब्रांडेड चीज है बहुत ही अच्छी चीज है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई नुकसान नहीं है आयुर्वेदिक दवा समझ लो आप इसको भांग बहुत ही अच्छी चीज है हम खुद छानते हैं और भी भाई बहुत है हमारे छानने वाले और हमारे मथुरा भांग का तो भाई पॉपुलर है ये समझ लो आप भांग हमारे मथुरा में तो रियल में बहुत पॉपुलर है ऐसी होती है ये गोली हम ये गोली बनाते हैं हाँ ये देखो ये 25 रुपए की गोली है अच्छा इसमें कितनी क्वांटिटी में भांग आती है इसमें क्वांटिटी आप 100% आप पूरा फुल 100% है भांग इसमें कोई मिलावट नहीं है कोई केमिकल नहीं है इसमें अच्छा और इसका कोई साइड इफेक्ट और कितने ग्राम का होगा ये पेड़ा ये भैया 40 ग्राम का अच्छा 40 ग्राम ये गोली 40 ग्राम की है 40 ग्राम की हाँ तो इसे कई लोग मीट भी खा जाते हैं हाँ सर खा सकते हैं इसको गोली के भी खाओ आप इसको किसी में भी ले सकते हैं पेप्सी और आपका जूस ले लो कोई भी फ्लेवर ले लो अच्छा दूध में ले लो दही में ले लो अच्छा आप मतलब रबड़ी में किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और जैसे यहाँ मथुरा में पॉपुलर है कहते हैं छान के पीते हैं आप किस में देते वैसे भैया हमारे यहाँ गुलकंद में मिलता है ठंडाई में मिलता है जलजीरे में मिलता है तो भैया आप जो आपका बेस्ट है वो एक बार बना के दिखाइए आप हाँ बिल्कुल दिखाएंगे भैया भांग वाली आपको ठंडाई बना के दिखाता हूँ ठीक है ये देखिए तो इसमें कितनी गोली जाएगी भैया इसमें 1.5 गोली डाल रहा हूँ ठीक है अच्छा इसमें 1.5 गोली और ये क्या आ गया और ये आपका ठंडाई का फ्लेवर हाँ जी अच्छा और ये भैया स्टार्ट इसको अच्छी तरह से घोटा जाएगा जी हाँ इसको फेंटना है अच्छी तो तरह से कितने देर तक फेंटा जाएगा अरे वो तो बस इसको घुलना चाहिए सही से बस अच्छा इसका जो गोली है वो घुल जाना चाहिए बस ताकि असर पूरी तरह से करे हाँ हाँ असर तो पूरा करेगा कई लोग इसे नशे वो क्या है ना जैसे अभी मैं आपको जो छान के दिखा रहा हूँ ना जैसे चलनी में देखो भांग का रूल्स यही है कि भांग हमेशा छान के ली जाए अच्छा हाँ क्योंकि भांग हमेशा छन के आनी चाहिए ये देखो एक एक चीज छन के हाँ और इसे क्या करते हैं फिर आप जो बच जाता है ये बच जाता है ना ये छूछ होता है इसका कोई कोई मतलब नहीं है ये तो पानी में जाना है अच्छा इसको पानी में जाना है अब ये भैया के हाथ में मैंने दे दिया हजरा वाले हम बहुत काम किए अच्छा बहन चोद हम अच्छा काम किए क्या बात है तो भैया पी के दिखाइए हाँ देखो लोग पी के देखो ये देखिए ओ भाई साहब एक बार में पी गए एक साथ में क्या बात है मतलब साक्षात भोले के दर्शन हो गए भोले के दर्शन है तो इसी बात है बोलो भम्मा बोले या एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको जैसे लोग बताते हैं कि नशा मिलाते हैं या ये ऐसा कुछ करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है भांग एक नंबर है ये देखो हमारे यहाँ हरिद्वार से पत्तियाँ और फिर वैसे भी हमारे गोदाम में आती हैं सरकारी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कहीं बाहर जाएँ हम लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये देखो कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई मिलावट नहीं है देखो पिसाई इसका एकदम बारीक एक नंबर एक भी रेसा नहीं मिलेगा भांग के अंदर और दूसरी बात बताऊं जैसे हमारे मथुरा में बोलते हैं कि कोई कुछ मिला रहा है कोई कुछ हाँ। मिला रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता है भांग में क्योंकि भांग इतनी नशीली होती है उसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी चीज़ भांग इतना नशा होता है उसके अंदर तो कोई भी चीज़ मिलाने की जरूरत ही नहीं है और फिर हमारे यहाँ तो क्वालिटी देखो ये देखो बस ये देखिए हम तो अपनी भांग के बारे में ये दिखा देंगे एक नंबर क्वालिटी है हमारे यहाँ तो भैया लोकेशन क्या पड़ती है अपनी भैया मेरा यहाँ मथुरा है और पुराना बस स्टैंड 9 गजा है जय भोलेनाथ।